हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत प्यारा सा टीयर ड्रॉप पैटर्न देखिए अलग तरीके से बनाना सीखेंगे। बहुत ही सुंदर पैटर्न है। आप इसे लेडीज कार्डिगन में या बच्चों के स्वेटर्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये लेडीज कार्डिगन में यूज किया है इसको। तो देखिए, चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए हमें जो फंदे चाहिए वो 10 के मल्टीपल में चाहिए, प्लस वन हमें एक्स्ट्रा चाहिए फंदा 10 के मल्टीपल में और एक एक्स्ट्रा। तो देखिए, हमने जो फर्स्ट रो है हमारी फाउंडेशन रो है, इसे कैसे बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे, अगले दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2। दो फंदे उल्टे बुनने के बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये दो फंदे हमारे गैप वाले रहेंगे। अब इस बार एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदे गैप वाले उल्टे, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। तो हमने पूरी रो में यही करना है, दो फंदे उल्टे 5 सीधे, दो फंदे उल्टे 1 सीधा, दो फंदे उल्टे 5 सीधे, दो फंदे उल्टे 1 सीधा। तो ये देखिए, 5 हमने सीधे बुने हैं, अब 1 सीधा आ गया। अब फिर से हमने दो उल्टे बुनने के बाद 5 सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद हमने फिर से दो फंदे लास्ट में उल्टे बुनकर, और एज वाला जो हमारा फंदा है तो राइट साइड से इसे हमने सीधा बुनना होता है, तो सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो में हमें देखिए, जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बुनेंगे, दो ये सीधे आ जाएंगे। अब ये 5 फंदे उस तरफ से सीधे थे, ये उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर दो सीधे, फिर एक उल्टा, फिर दो सीधे, फिर 5 उल्टे। तो हमने ये रो को जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी रो सेकंड कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो में हमने क्या करना है, देखिए फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, ये गैप वाले फंदे जो हैं दो, ये उल्टे ही आएंगे हमेशा इस तरफ से, 1 2। अब ये हमारे 5 जो सीधे फंदे हैं उनमें से हमने पहले दो को इस तरह से घुमाकर एक साथ सीधा बुन लेना है, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने जो है 5 फंदों के 3 बना लिए। अब दो उल्टे बुनेंगे, 1 2। दो उल्टे बुनने के बाद जो ये हमारा एक सीधा है, इसको हमने 5 फंदे बनानी है। देखिए, पहले एक बार बुना इसे, फिर धागा इस तरह से लपेटेंगे, फिर एक बार बुनेंगे सीधा, फिर से धागा लपेटेंगे और फिर से एक बार सीधा बुनेंगे। तो हमने ये 5 बार बुन के 5 फंदे बना लिए हैं एक फंदे के। अब फिर हमने गैप वाले दो फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2। फिर से हमने इन 5 फंदों के 3 बनाने हैं इस तरह से, 1 2 और ये 3। फिर से दो उल्टे आएंगे। तो हमने पूरी रो में यही करना है। लास्ट में ये हमारा जो है 5 फंदे हैं, इनके फिर से हम 3 बना लेंगे उसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारी थर्ड भी कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो में हमने फिर से जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। फर्स्ट को हमने पर्ल वाइज स्लिप कर लिया, दो हम सीधे बुन लेंगे ये वाले गैप वाले। अब ये हमारे 3 उल्टे रह जाएंगे यहाँ पे, 5 के हमने 3 बना लिए थे, तो ये 3 उल्टे रहेंगे। फिर दो सीधे, और ये जो हमने एक फंदे के 5 बनाए हैं इन्हें भी हमने उल्टे बुनना है। तो ये हम पूरी रो ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, फोर्थ रो भी हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो में हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया, दो फंदे उल्टे बुनने ही हैं हर बार। अब ये जो 3 फंदे हैं इनके हमने एक बनाना है। देखिए, पहले ये दो फंदों को हम इस तरह से घुमा कर लेंगे लेफ्ट नीडल पर इस तरह, और इन तीनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन देंगे। ऐसा करने से जो हमारा बीच वाला फंदा है फ्रेंड्स, ये ऊपर आ जाएगा। देखिए, अब फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, 1
टू। दो फंदे उल्टे बुनने के बाद ये हमारे जो पांच फंदे हैं इन्हें सीधा बुनना है, वन टू थ्री फोर फाइव। फिर दो फंदे ये गैप वाले उल्टे बुनेंगे, वन टू। फिर से लेना है जैसे पहले किया था, इस तरह से घुमाकर दो फंदों को पहले ऐसे लेंगे और फिर तीन फंदों को बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो हमने ये पूरी रो में रिपीट कर कर ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमने फिर से सिक्स रो में जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। ये दो सीधे इस तरफ से हमेशा ही दो सीधे आएंगे। अब ये पहले पांच थे फिर तीन थे, अब ये एक रह गया है उल्टा। एक उल्टा बुनने के बाद फिर दो सीधे बुनेंगे और इस बार ये हमारे पांच हो गए हैं उल्टे, तो इन पांचों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने पूरी रो में ये रिपीट करना है जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे। तो ये पूरी रो में हम रिपीट कर लेंगे, एक फिर दो सीधे फिर पांच उल्टे फिर दो सीधे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब इस रो में हमने क्या करना है फिर देखिएगा, दो उल्टे आ जाएंगे हमेशा की तरह। अब ये हमारा जो एक फंदा है इसके हमने वैसे ही पांच बनाने हैं जैसे हमने रो थर्ड में किया था, इस तरह से पांच फंदे बना लिए। अब दो उल्टे आ जाएंगे, वन टू, फिर से ये पांच फंदे जो है इनके हमने तीन बना लेने हैं। जब भी हम ये पांच बनाएंगे तो इनके हमने पांच के तीन बनाने हैं, एक सीधा दो एक साथ सीधे फिर दो उल्टे, वन टू, फिर एक के पांच ऐसे जाली लेकर फिर दो उल्टे। तो ये हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हमने जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बुनना है, दो ये सीधे आ जाएंगे, अब ये वाले पांच उल्टे आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर ये दो सीधे। अब ये हमारा यहाँ पे जो है तीन फंदे हैं तो ये तीन उल्टे आ जाएंगे, वन टू थ्री, फिर से दो सीधे, वन टू, फिर से पांच उल्टे। तो ये हम पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एट रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। नाइन्थ रो में हमने देखिए क्या करना है, दो उल्टे आ जाएंगे हर बार की तरह। अब ये जो हमारे पांच फंदे हैं इन्हें हमने सीधा बुनना है इस बार, फिर से वन टू थ्री फोर फाइव, फिर दो उल्टे बुनेंगे, वन टू। अब जो ये तीन फंदे हैं इनका हमने फिर से एक बना लेना है, ये फिर दो उल्टे आ जाएंगे, फिर पांच फंदे ये वाले सीधे आ जाएंगे, फिर दो उल्टे, फिर इन तीन का हम एक बना लेंगे। तो हम ये पूरी रो में रिपीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टीयर ड्रॉप शेप बन गई है। अब उल्टी रो जो है उसमें फिर से जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही करेंगे और फिर रो थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये जो पांच फंदे हैं इनके अब हम तीन बना लेंगे और ये जो बीच में एक फंदा रहेगा इसके हमने पांच बना लेने हैं। तो जब हम इन रोज को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न जो है बनता जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरे पैटर्न्स पसंद आते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।